फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। तो दोस्तों देखिए आज 8.50 रुपये पर शेयर ने आज क्लोजिंग दी है। 10 पैसे शेयर आज बढ़ा है। 1.19% शेयर में आज आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर कि यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है इस काउंटर में, कि यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो देखिए शेयर में लगातार गिरावट आती जा रही है। 8.75 से 8.75 या फिर 9 जब से गया है शेयर, अब देखेंगे तब से थोड़ी सी गिरावट बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज शेयर ने बढ़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे शेयर का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था 8.90, वो क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने कहा आपको कहा था कि देखिए अगर 8.90 को ये क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और शेयर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए वो क्रॉस नहीं हुआ है। अब 8.75 की अगर बात करें तो 8.75 पर जिस तरीके से शेयर ने देखिए आप कह सकते हैं कंसोलिडेट हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब शेयर देखिए यहाँ से आज बढ़ा है। आज इस शेयर का हाई देखेंगे आप तो वो था 8.60 का। अब शेयर अगर यहाँ पे इन लेवल्स पे ही रहता है, अगर 8.50 के नीचे नहीं जाता है और इन लेवल से वापस से एक रिकवरी दिखाता है शेयर, अब कह सकते हैं अगर 8.50 या फिर 8.20 ये दो लेवल है इनके नीचे नहीं जाएगा तो शेयर देखिए अभी आपको मूवमेंट दिखा सकता है ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे इनके नीचे अगर वापस चल जाता है तो वापस से गिरावट का दौर चालू हो सकता है शेयर में, और देखिए वहाँ से गिरावट फिर आपको थोड़ी सी बड़ी होती हुई देखने को मिल सकती है। अब वोडाफोन आइडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकले। अगर 8.90 रुपीज़ को ये ब्रेक करता है 8.90 रुपये के रेजिस्टेंस को तो यहाँ पर फिर शेयर में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, पर अगर ये क्रॉस नहीं होगा तो फिर कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं पिछले यहाँ पे आपको एक साल की बात करूँ तो एक साल के अंदर शेयर ने आपको काफ़ी ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। 102% शेयर आपको एक साल में बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पिछले 3 महीने की बात करेंगे तो पिछले 3 महीने के अंदर वो 1% शेयर डाउनफॉल जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 महीने में पहले जब शेयर इन लेवल्स पर आया था तो देखिए यहाँ से इसने बढ़ोतरी दिखाना चालू किया था 9.15 रुपये से। हाँ वो कह सकते हैं एक न्यूज़ के कारण बढ़ना चालू किया था, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर शेयर वापस से 9.15 रुपये 8 रुपये या 95 पैसे के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है आपको तेज़ी देखने को मिलेगी शेयर के अंदर। 8.90 इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होगा तो पक्का तेज़ी होगी। अब यहाँ पे शेयर की अगर हम बात करें आगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। अब टेक्निकल्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बाइंग चल रही है कि सेलिंग। आप देखेंगे शेयर के अंदर बाइंग चल रही है अभी, 3 सेल 16 बाय ऑसिलेटर्स ने सेल दिया है, लेकिन मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय कर रहे हैं विद नो सेलिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे शेयर के अंदर बाइंग चल रही है। अब वोडाफोन आइडिया में देखेंगे काउंटर अभी आप कह सकते हैं देखिए पेनी स्टॉक है तो इसके अंदर बाइंग सेलिंग काफ़ी अच्छी चलती है, बट यहाँ पे अगर शेयर की बात करें तो इस अभी बाइंग चल रही है, ये एक अच्छी बात है। अब शेयर की अगर और बात करते हैं तो यहाँ पे अब शेयर में दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दे रखे हैं। यहाँ पे वो देखिए 8.95 दे रखा है, अगर यहाँ से क्रॉस होगा तो शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी, और फिर अगर 8.70 तो यहाँ पे आप कह सकते हैं देखिए ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अगर इनको ये तोड़ता है तो फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर। लेकिन गिरावट कहाँ से होगी, शेयर अगर 7.95 के नीचे जाता है तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर 8.30 के नीचे जाता है तो इसमें गिरावट का ट्रेंड फिर से चालू होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।